गुड मॉर्निंग क्लास टू, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी फर्स्ट भाषा सेतु बुक। आप लोग का है भाषा सेतु, आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री भी बुक रीडिंग करा दिया गया है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पार्ट थ्री का नाम है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पार्ट थ्री का नाम है। इसको यहाँ तक आप पढ़ा दिया गया है, वर्ड मीनिंग भी लिखवा दिया गया है। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। वायु में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, वायु में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? उत्तर, सड़कों पर बसे कार, यहाँ पे रॉन्ग है ये, स्कूटर, कारखानों और चिमनियों के धुएं आदि के कारण वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ, वायु में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? उत्तर, सड़कों, यहाँ पे सड़कों है, कॉपे ओ की मात्रा को, पर बसे कार, स्कूटर, कारखानों और चिमनियों के धुएं आदि के कारण वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, प्रदूषण का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रदूषण का अर्थ है दूषित वायु का पर्यावरण में घुल मिल जाना, यानी वायु का दूषित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, पेड़ लगाने के क्या लाभ हैं? पेड़ लगाने के ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, पेड़ से हमें बहुत सारे फर्नीचर, कुर्सी, ब्रेंच आदि बनाए जाते हैं। पेड़ के वृक्षों यानी छालों से, पत्तियों से हमें औषधियाँ, दवाई भी प्राप्त होती हैं, बनती है। लेकिन हम यहाँ पे केवल एक दो ही बस लिखवाएंगे आप लोग को। पेड़ लगाने से हमें अनेकों लाभ होते हैं। पेड़ों की हरियाली हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है तथा समय से वर्षा भी कराती है। यहाँ भी लिख सकते हैं, वर्षा भी कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, सांस लेने के लिए हमें पेड़ों से कौन सी गैस मिलती है? उत्तर, सांस लेने के लिए हमें पेड़ों से ऑक्सीजन गैस मिलती है। आप लोग फिर से देख लीजिए, सांस लेने के लिए हमें पेड़ों से कौन सी गैस मिलती है? सांस लेने के लिए हमें पेड़ों से ऑक्सीजन गैस मिलती है। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या प्रण करना चाहिए? प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या प्रण करना चाहिए? जो है, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, कारखानों के धुओं को, जैसे चिमनियों के धुएं पर रोक लगाना चाहिए। उत्तर है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें निम्न प्रण करना चाहिए। पहला, जन्मदिन पर एक पेड़, यहाँ पे अवश्य भी लिख सकते हैं, छूट गया है, अवश्य लगाने चाहिए। सेकंड नंबर, किसी को भी पेड़ काटने नहीं देना चाहिए। तीसरा नंबर है, ज़्यादातर फलदार और छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। यह आपका पार्ट थ्री का प्रश्न उत्तर है, इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा।